हाँ जी, क्या हाल चाल है आज आप सभी के? और आज का फिर निकल लिया अपने सुबह सुबह तड़ी की दिन तक पहले नहा धो गए, और आज अपने साथ में अपने भाई। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान है भाई। दूसरे मास्टर जी तक मुलाकात फिर हमारे दूसरे मास्टर जी। हेलो मास्टर जी, ये प्रोग्राम है आज का? आज तो मैं आपको बता दूँ, हम लोग मास्टर नहीं है, फैसिलिटेटर है। ये बात ओके मास्टर जी, वेरी गुड रचित, लेट्स क्लैप एवरीबॉडी फॉर रचित। हाँ जी रचित जी, हाँ जी बताइए, आप कहाँ से हो? अपना इंट्रोडक्शन दो, अपने बारे में बताओ। मैं चंदौसी से हूँ, यूपी में पढ़ता है, डिस्ट्रिक्ट संभल। थोड़ा तो बात सुना है? हाँ। कहीं से हूँ मैं, और यहाँ पर आया हूँ एक वीक की ट्रेनिंग के लिए आप लोगों के साथ। आगे आप पूछिए और क्या बताना है। तो कहाँ जा रहे हैं आज हम? आज हम जा रहे हैं लखनऊ में, एक गांव है बलिया एंड काकोरी। काकोरी में जाएंगे हमारे सत्यम एंड रूपम, और बलिया जाएंगे हम और रिजवान। तो रिजवान जी, आपने बड़े बारे में नहीं बताया, आप कहाँ से हो? मैं हरियाणा से हूँ, नूह डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा जी, तो आपके यहाँ का क्या सिचुएशन है, मतलब आपके गांव में जो बच्चे हैं गांव के लेवल पे, वहाँ एजुकेशन का जो स्किल्स होती है एम्प्लॉयबिलिटी की, तो स्कूल से क्या है बच्चा एजुकेशन ले लेगा। हाँ, तो क्या सिचुएशन है आपके यहाँ की? वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है बच्चे वहाँ पे, वहाँ को थोड़ा एरिया को डेवलप करने के लिए ही थोड़ा अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे तो उनको सिखाएंगे। बिल्कुल रिक्शा में चढ़ गई दिन तक पहले लिकड़ लिया हम, तो भाई समझ में आ जाना मेरी बात है तुम्हारी, तो इस चीज़ का बहुत फायदा है मुझे कि ये मेरी बात समझ ले, वरना ये बताऊँगे हरियाणे तय है पता नहीं क्या कह रहा है, क्या समझ में आ रहा है। तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो यू इतना सुनसान जंगल है, तुम्हें दिख रहा होगा इतने खतरे में अपनी जान डाल, जो हिम्मत डाल के हम कैसे कैसे करके हम जा रहे हैं, बस पूछो मत जी। रिजवान जी, तो इतने खतरे में जाने का क्या फायदा है आपको? सुधार हो गया क्या? बिल्कुल, बहुत यहाँ पे आने की हर कोई हिम्मत नहीं दिखाता है, कितना जंगल है ये देखो जंगल। भाई तुम तो गांव में आ गए झूठे, तुम तो एक नंबर के। थोड़ा आगे जाके जंगल दिखाएंगे आपको भाई, बिल्कुल एक नंबर के झूठे आदमी। हाँ तो भाई, रचित मास्टर जी और रिजवान मास्टर जी, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या सीखना हमें आज का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? आज का ऑब्जेक्टिव है हमारा मतलब हम सबका, हम जाएंगे ब्रांच पर, और ब्रांच पर हम जाएंगे और जाकर स्टूडेंट को जो स्किल है हम उसमें डेवलप करेंगे। मास्टर जी, मुझे आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं लग रहा आज। नहीं जी, क्लियर है ऑब्जेक्टिव, हम जा रहे हैं, हमारी थर्ड ब्रांच विजिट है। अच्छा, ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं हम, तो मतलब जा कहाँ रहे, क्या काम है वहाँ, मतलब क्या है? रूरल एरिया में जा रहे हैं, वहाँ पे एफसीए एकेडमी है एक। अच्छा, एनजीओ है, फ्यूचर एम्प्लॉयबिलिटी एकेडमी। तो क्या करते हैं ये वहाँ पे? फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल डेवलपमेंट का फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी एकेडमी। अच्छा, तो इस जंगल की बात कर रहे थे भाई, ये बहुत ही खतरनाक जंगल। बहुत ही सुनसान रास्ता, सुनसान राहों में, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर मिल के चार यार चले हैं पते कदले। चलिए मैं बताता हूँ आपको महाराज का ऑब्जेक्टिव क्या है। हम सभी ने एक एनजीओ ज्वाइन किया है कि जिसका काम है जो हमारे रूरल एरिया जाए, तो वहाँ क्या होता है कि कुछ जैसे लड़की होती है, पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, कहीं पे रिसोर्सेज नहीं है, शहर ज्यादा दूर है, यहाँ पे क्या है कि उनकी एक एजुकेशन तो कंप्लीट हो जाती है और एक स्किल होती है ना जो आगे कामयाब होने के लिए इंसान के पास में, एक कंप्यूटर चलाना, इंटरव्यू देना, तो ये चीजें स्कूल में नहीं सिखाई जाती। तो हमारी एनजीओ का काम क्या है कि वो हमारे जैसे फैसिलिटेटर, वो पहले ट्रेनिंग देती है, फिर उसके बाद हम वहाँ जाके पढ़ाते हैं उन्हें,
फैसिलिटेट करते हैं पढ़ाना, और उसमें थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि टीचर आपको इतना बता देगा वो चिपक जाएगा बोर्ड से। फैसिलिटेटर का काम क्या है कि वो एक स्टूडेंट को एक दिशा दे देगा कि भाई ये तेरा ऐसे रास्ता है, ये तुझे ये सीखना है, उसके बाद वो खुद इंडिपेंडेंट लर्नर बन जाता है और अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाता है। तो आज हम आ जाए रास्ते में चल रहे, मजा नहीं आ रहा। ये मेरी गैल बैठे ना ये फैसिलिटेटर, ये अभी कहानी सुनाओगे, स्टोरी टेलिंग करोगे भाई है? ये सुनाएगा रचित भाई स्टोरी टेलिंग करनी। मास्टर जी नहीं, मास्टर जी नहीं, फैसिलिटेटर साहब। आज आपको फैसिलिटेटर साहब, जैसे हम इतने सुनसान भीड़ जंगल से जा रहे हैं, तो इस पर आपको एक स्टोरी टेलिंग करनी है। आज आपका टास्क है जो चार लोग मजा नहीं आ रहा। पैरा लैंग्वेज के साथ एक्सप्रेशन के साथ कौन सा बताओगा भाई? हाँ, इनकी IR पहले भी कंप्लीट हो चुकी है। ये फैसिलिटेटर साहब, सीनियर फैसिलिटेटर साहब रचित जी, बताइए कुछ हमें, आज कहानी सुनाइए। मजा नहीं आ रहा सफर में बिल्कुल भी। मजा तो तभी तो पहुँचोगे, हमें क्या करना था ब्रांच का? हम चार लोग, चार लोग कहाँ जाना है पता नहीं, दिख कहाँ जा रहे हैं? एक्चुअली हमारे साथ एक फैसिलिटेटर और है, वो थोड़ा कैमरा साई पर्सन है, तो हमने उनसे पूछा तो उनको कंफर्टेबल नहीं लगा, तो ठीक है कोई बात नहीं, अपना जैसे जिसको जो अच्छा लगे ठीक है, अपना मैनेज कर लेते हैं। जी बिल्कुल, यस फैसिलिटेटर साहब, क्या बोलूं मैं, मुझे डर लग रहा है इतने जंगल में, मैं खुद कांप रहा हूं। रिजवान सर को डर लग रहा है, पता चला कि रिजवान सर को किडनी ना निकाले। रिजवान सर आज आपको ऐसी फीलिंग आ रही है क्या, कहीं आपकी किडनी ना बेच दी जाए? भाई हो भी जाए कुछ ऐसा हादसा हो सकता है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, हमारे साथ साथ चलिए फिर जाए। हमारे लखनऊ में आपने सुना होगा, लखनऊ के आम बहुत फेमस है, और वो चीज यहाँ दिख भी रही, हर खेत में आम ही आम के पेड़ खड़े, और कुछ नहीं ऐसी, इतने आम खड़े गिने नहीं जा सकते। क्यों रिजवान मास्टर जी, भाई देख सकते हो आप यहाँ पे काफी आम ही आम है, एक डब्बा बाग ही बाग है आमों के। फेमस है लखनवी आम, कौन सा आम? दो ही चीज, लंगड़ा आम, लुल्ला आम, ऐसा भी होता है क्या? काना आम, काना। अब एक क्वेश्चन ये आ गया कि हम इस काम को क्यों कर रहे हैं, तो जानते हैं अपने फैसिलिटेटर साहब को, ये क्या बताओगे? तो जी रिजवान भाई, यहाँ आने का मकसद क्या था, लाउडली बताइए। मकसद क्या था, सुना था कोई एनजीओ है जॉब करने चलेंगे, पता चला यहाँ पे कोई टीचिंग लाइन है, अपने कोई लाइफ में नहीं सोचा था कि टीचिंग लाइन में जाएंगे, लेकिन फिर जब जाना FEA क्या चीजें करती है, यहाँ बहुत सीखने को मिला, तो आप लग रहा है अच्छी चीजें और करेंगे। तो वैसे आपको मतलब कैसा लगा के यहाँ पे, लगा कि आप बहुत कुछ सीख लिया हमने इन दिनों में? हाँ बहुत इम्प्रूवमेंट दिख रही है भाई। सबसे पहली चीज तो हमने कपड़े धोने सीख लिए। जी रजित जी, आपका क्या एक्सपीरियंस था, मतलब आपको क्या कभी सोचा था कि आप टीचिंग का काम करोगे, फैसिलिटेशन का काम करोगे? सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा करेंगे, लेकिन जब एक बार कॉल आया कि एक NGO है FEA जो कि अर्बन में चल रहा था, रूरल एरिया में आया है, रूरल में जो स्टूडेंट है गरीब 18 साल से ऊपर, जो अपनी स्किल डेवलप नहीं कर पाते, कंप्यूटर सीखने नहीं जा पाते बाहर, इकोनॉमी का कारण ले लीजिए, चाहे लड़कियाँ होती हैं उनके माँ बाप नहीं भेजना चाहते बाहर शहर में, तो वो दूर होता है गाँव से, वो ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो इसलिए हमारे दीपक चोपड़ा जी जो है NGO के फाउंडर हैं, उन्होंने ये उनका एक विजन है कि हर गाँव में चाहे लड़का हो चाहे लड़की, चाहे गरीब हो चाहे, सबको एजुकेशन प्रोवाइड हो, सभी लोग इक्वल हो, सभी लोगों की अंदर स्किल डेवलप हो, ताकि वो गांव छोड़कर अपने शहर जाकर अपनी जॉब कर सकें और अपने भविष्य को बना सकें।
तो उसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया। जब मैंने यहाँ का माहौल देखा हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक बार हमारे दीपक चोपड़ा जी हमारे साथ आए थे, साथ में बैठे थे, लंच किया था साथ में बैठ के। तो यहाँ का रूल है अपने बर्तन खुद साफ करने पड़ते हैं, अपने कपड़े खुद धोने पड़ते हैं। तो उन्होंने अपने हमारे साथ खाना खा के खुद अपने बर्तन वॉश किए थे, खुद साफ किए। हाँ, जो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो उसका फाउंडर जो मालिक है वो खुद बर्तन साफ कर रहे हैं, मतलब सोचो आप कितने डाउन टू अर्थ इंसान होंगे वो। बहुत ज्यादा, और उनका एक विजन है ये रूरल में सबको करना, बहुत ही अच्छा लगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हम भी जो है आगे बढ़े और उनके एक सपने को साकार करें, कोशिश करें। तो यही बात आ गई कि सबसे पहले आपको यहाँ एक कहते हैं ना कि डिसिप्लिन इंसान बनाया जाता है, तो मैं भी ऐसे अपने घर पे कभी कपड़े नहीं धोए, कभी बर्तन साफ नहीं किए, ऐसे ही मम्मी ने बेड बनाया, बेड से उठा अपना फैला दिया ऐसे ही, तो मम्मी करती थी सब काम। बट यहाँ का मैंने बहुत बदलाव, एक महीने के अंदर अपनी जिंदगी में इतना बदलाव मैं कभी नहीं सीखा होगा। क्यूरी जवान भाई, हाँ भाई, ऐसा तो क्या ही नहीं पहले, मतलब मजे आ रहे थे अब तक तो लाइफ में, मजे थे। लेकिन यहाँ पे आके भाई खुद का काम खुद करना पड़ रहा है, तो एक तरीके से जो कम्फर्ट जोन है उससे बाहर आ चुके हैं। साहब पहुंच गए हम अपने डेस्टिनेशन के पास में, किस जगह आ गए हम? ये काकोरी, काकोरी, काकोरी गांव लखनऊ रूरल। ये आपका जो है एरिया है आपका और रूपम का? हाँ, हमें तो अभी आप किस जगह जा रहे हो? हम बलिया जा रहे हैं। बलिया लखनऊ में पड़ता है। हाँ, लखनऊ रूरल में गांव है एक। तो हम तो अपनी लोकेशन जो अपनी ब्रांच है यहाँ की उसके पास पहुँच गए, और इसके बाद में ये भी पहुँच जाएंगे, और बाकी अपना व्लॉग तो कंटिन्यू रहेगा ही, दिन भर क्या करेंगे हम आज। तो मिलेंगे फिर बाद में। तो हमारी डेस्टिनेशन तो आ गई, अब एक बार देखते हैं चल के क्या प्लान है यहाँ का। ये काकोरी में एक गाँव है इमाम बाग, काकोरी एक टाउन है, और यहाँ पे अपनी इसकी FEA की एक ब्रांच है। तो अपना आज का राउंड इसका ही है, तो चलते हैं अभी। ब्रांच ऐसी जगह है स्थापित की जाती है कि जहाँ पे ज़रूरतमंद बच्चे हो आसपास में, जैसे ये एरिया है देखो मेरे हिसाब से, तो इससे क्या है कि गांव के जो बच्चे हैं वो आसानी से आ सके और अपना जो इसका बेनिफिट है वो ले सके। तो रचित और रिजवान की जो ब्रांच थी वो इस गांव से आगे जाके एक बढ़िया गांव है वहां पे थी, तो वो आगे के लिए निकल गए और मैं यहाँ जो मेरी ब्रांच थी उस पे आ गया, और हम शाम को फिर इकट्ठे मिल जाएंगे। तो उनका वहां पे था और मेरा यहाँ पे है, मैं अपनी ब्रांच पे पहुंच चुका हूँ। अभी थोड़ी देर में जो यहाँ की फैसिलिटेटर है आएगी, फिर आपको यहाँ का टूर दिखाते हैं। तो मैं ब्रांच पे आ चुका हूँ और मेरे पीछे काकोरी रूरल की एक ब्रांच है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्लासरूम में क्या क्या होता है, कैसे स्टूडेंट्स बैठते हैं, हमारे यहाँ का सीटिंग पोस्चर कैसा होता है, और फैसिलिटेटर क्या काम करते हैं। चलिए आइए। तो ये ब्रांच है अपनी, और ये क्लासरूम का जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। We'll be right back.
और ये सब स्टूडेंट्स अपने घर जाते हैं। ओके बाय एवरीबॉडी, बाय। तो ये सब लोग खुशी खुशी अपने घर जा रहे हैं। इन्होंने आज कुछ बहुत कुछ नया नया सीखा। तो आज का दिन आज बहुत बेहतरीन रहा अपना, और आज का जो एक्सपीरियंस था अपना FEF ब्रांच का, आज हमने सेशन कंडक्ट किए, मैंने किए, रूपम ने किए, और सबसे पहला जो लेसन था वो हमारे द बेस्ट फैसिलिटेटर सोनी, इन्होंने बहुत अच्छे से, इनसे हमने इतना कुछ सीख लिया, मतलब एक फैसिलिटेटर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो सोनी आज हमारा सफर मतलब ट्रेनिंग का आपके साथ यहाँ तक का ही था, बाकी आप बीच में मिल सकते हो, बट बिल्कुल आप आओगे वहाँ हेड ऑफिस पे आओगे, बट आज हमारा सफर फिलहाल के लिए यहीं पे ये वाला सफर एंड होता है। और आपके साथ हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत ही बेस्ट रहा है, और मतलब ये मेमोरीज जिंदगी भर के लिए हमारे पास दिल में हमारे दिमाग में सेव हो गई है। और फिर मिलते हैं जैसे भी, हमारा चक्कर लगेगा लखनऊ में, और आपसे बहुत कुछ सीखा हमने। यस, बागपत इनविटेशन है आपको कि आप भी हमारे यहाँ बड़ोत में आएंगे, तो हम बिल्कुल आएंगे जी, बिल्कुल। स्वरूपम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आज का बहुत ही अच्छा रहा, हमने एक एक्सपीरियंस ली सोनी फैसिलिटेटर से, बहुत ही अच्छे बिल्कुल, इसमें कोई बात दो राय नहीं है। सोनी बहुत अच्छा अपने स्टूडेंट को आज तक भी इन्होंने रिटेन किया हुआ है इतने अच्छे से, इनके यहाँ पे मतलब स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है बहुत अच्छी है, यहाँ के जो स्टूडेंट है बहुत ही एक्टिव है। यस, वो उनके अंदर सोनी ने उनको इतना डेवलप कर दिया है वो, और जितनी एनर्जेटिक बिल्कुल सोनी है, यस उसका कोई मुकाबला नहीं है। सो सोनी बाय, हम आपसे फिर भगवान ने चाहा तो फिर मिलेंगे बहुत जल्दी के साथ जी। अभी तो हम तीन को मिलने वाले हैं, बट उसके बाद जब इस और चाहेगा फिर मिलेंगे। ओके सोनी, तो मिलते हैं, बाय सोनी। तो गाइस हम पहुंच गए भी काकोरी में, काकोरी चौक एक टाउन लगता है लखनऊ के पास में, और अपने भाई है ये, मेरी किस्म के आदमी है ये, फूडी कौन से उसमें जाना, तो यहाँ पे लस्सी बहुत फेमस मिलती है, मैं दिखाता हूँ आपको। बड़े सारे यार दोस्त अंकल के बहुत फेमस लस्सी है इस दुकान की, हाँ तो रिजवान भाई, भाई कल भी लस्सी पी थी, आदत खराब हो गई इनका, मैं तो खाना दिखना चाहिए कि, और रचित भाई खान पीने की चीज दिखनी चाहिए, मतलब ठीक है, हाँ ठीक है, क्यों रूपम तो फिर क्या किया, क्यों परेशान है जिंदगी में, हमने जन्म ही खान पीने के लिए लिया, खाएंगे तो क्या करेंगे, है ना भाई। ये लस्सी है यहाँ की, देखो कितनी मस्त लग रही, जितनी दिखने में मस्त लग रही ना उससे ज्यादा इसका टेस्ट मस्त है। और कितने रुपए की है रचित भाई? कितने रुपए की है रिजवान भाई? 35 रुपए में, बता 35 रुपए में इतना बड़ा गिलास और इतना बेहतरीन, तो एक नंबर की लस्सी है बिल्कुल। रिजवान के तो मुंह लग गई, मैं कह रहा रिजवान तो मैं तो बस लखनऊ लस्सी पिलाऊंगा भाई, लस्सी जबरदस्त ठीक है, हाँ ठीक है भाई। रूपम इसके बारे में अपनी लैंग्वेज में बताओगे, है ना रूपम, अपनी मगध वाली लैंग्वेज में बताओ। बहुत अच्छा लगे थे भाई हमारे सिर के ऊपर से जाता हुआ तो भाई आज के व्लॉग में बस इतना ही, अगला व्लॉग जो अपना अब जा रहे हैं हम अपने, कहाँ जा रहे हैं वो हेड ऑफिस, अपने कैनल में जा रहे हैं अपने एमओप पर रेस्ट करने के लिए, और जाके अपना बस अगली जो वीडियो होगी उसमें हम आपको अपना हेड ऑफिस का टूर दिखाएंगे, क्यों रचित भाई, बिल्कुल ना रिजवान भाई, तो बिल्कुल। तो इस वाले व्लॉग में इतना ही, बाकी जो अगले वीडियो होगा वो होगा हमारे जो हेड ऑफिस है ना उसका टूर होगा। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये अपने भाई है इनके बारे में कमेंट करके बताएं, धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।